बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पनीर काठी रोल। बहुत ही लजीज से रोल होंगे नाज़रीन, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाया करें हम लोग शुरू करते हैं। पनीर काठी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर को मैरिनेट करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हमने दही एक बोल में ले रहे हैं, तकरीबन हमने 3 छोटे चम्मच हमने दही ली है। उसके बाद हमने 1 छोटा चम्मच इसमें चाट मसाले का पाउडर डाला है। तो ये हमारा चाट मसाला पाउडर चला गया है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो हमने 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, यानी 2 छोटे चम्मच विनेगर और 2 छोटे चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और एक इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अब इसमें हम अपने जो फ्रेश पनीर क्यूब्स हैं वो ऐड कर देंगे और तकरीबन आप इसे 1 घंटे के लिए रख कर छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिना आप इसे इंस्टेंटली भी बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसे 1 घंटे के लिए ढककर ऐसे रख देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा आपके पनीर का टेस्ट आएगा। ये देखिए नाज़रीन, पनीर में जो मसाला है अच्छी तरह कोट हो गया है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और नमक भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं नाज़रीन। तो हमने 1/4 टीस्पून या आप हसबे ज़ायका आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दें और रख दीजिए। इधर अब हमें डो बनाना है रोल का, जिसके लिए हमने तकरीबन 2 कप मैदा लिया है। साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है, 1 पिंच हमने शुगर की डाली है और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नाज़रीन रिफाइंड ऑयल का डाल देंगे, कुकिंग ऑयल या फिर आप ओलिव ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो ऐड करें, मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम सेमी सॉफ्ट इसका एक डो बना लेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन, डो की फॉर्म का आ गया है और इसको हाथ के प्रेशर से ऐसे आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से गूंद लेना है। ये आपको दिखा देते हैं, हमारी आटे की जो डो की कंसिस्टेंसी ऐसी है। इधर नाज़रीन, एक पैन में ऑयल गर्म करेंगे और उसमें आपको पनीर के क्यूब्स लेके फ्राई कर लेना है। तो हल्के हल्के से ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इन्हें साइड में रख देंगे। अब हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स है जिसे हमने ऐसे काटा हुआ है, जिसमें हमारे पास ये 2 तरह की पत्ता गोभी है नाज़रीन, साथ ही शिमला मिर्च और गाजर है। तो आप अपनी पसंद की कुछ भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। डो को हम डिवाइड कर लेंगे अलग अलग पोर्शंस में और उसका हम नाज़रीन एक रोटी की तरह आपको बेलना है। थोड़ा सा आटा डस्ट करके आप एक पतली थोड़ी रोटी बेल लीजिए। तवा को गर्म कीजिए और दोनों तरफ से हमें रोटी को सेक लेना है। एक तरफ से हमने हल्की सी सेक ली और दूसरी तरफ से भी, जब इस पे ये ऐसे निशान से आ जाएंगे आपको ऐसे सेक लेना है। रोटी सबसे पहले आप बनाकर रोल के लिए रख लीजिए एक साथ बहुत सारी, और फिर हम इस पे नाज़रीन अंदर फिलिंग करेंगे, जिसके ऊपर सबसे पहले हमने मेयोनीज़ ऐड कर दी है। होममेड मेयोनीज़ की रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप चाहें तो उसे ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट में भी मेयोनीज़ आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले हमने मेयोनीज़ लगाई है बेस पर और उसके ऊपर आपके पनीर के क्यूब्स रख दिए हैं, फिर उसके ऊपर आपकी ये वेजिटेबल्स ऐड कर दी और हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं नाज़रीन इसके अंदर ऊपर। उसके ऊपर से हम थोड़ी सी इस पर केचप ऐड कर देंगे और बस अब हमें इसे रोल कर लेना है नाज़रीन ऐसे। ये हमारी रोल हो गई है रोटी, और आप चाहें तो बटर पेपर इसके ऊपर से रैप कर दीजिए। ये देखिए नाज़रीन, और इसी तरीके से बाकी की जितनी भी रोटियां हैं उसका भी हम ऐसे ही दिखाए गए अंदाज से रोल बना लेंगे। और आप चाहें तो इसमें ऊपर से आप टूथपिक वगैरह भी लगा सकते हैं तो आपका रोल बिल्कुल नहीं खुलेगा। और 2 तरीके से हमने आपको दिखाया है, इसको बटर पेपर ऐसे भी आप
लगा सकते हैं और जो पहले दिखाया गया था अंदाज उस तरीके से भी, बस आपके रेस्टोरेंट से भी अच्छे जो बाहर मार्केट में मिलते हैं उससे भी ज़बरदस्त आपके काठी रोल घर में ही तैयार हो जाएंगे। नाज़रीन, इस रेसिपी को आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आपको इसका ज़ायका भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।